ये चार देश अपना एक ग्रुप बनाए, इनका कहना है कि हम सबको क्या चाहिए, हम लोग को इस तरह से चाइना को घेरना पड़ेगा। मोबाइल इंडस्ट्रीज गया, WTO का बाप है ये दिमाग ऊपर वालों के पास नहीं है। इससे फायदा ये होगा ना, या इंडिया या भारत, इधर क्या हो गया जर्मनी और यहाँ ब्राजील, ये चार देश अपना एक ग्रुप बनाए, नाम है G4। क्या नाम है? ग्रुप ऑफ फोर। इनका कहना है कि हम सबको क्या चाहिए, बीटो चाहिए, हम सबको क्या चाहिए, बीटो। अब इसमें सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो है भारत, इंडिया है सबसे प्रबल। जापान क्यों नहीं है? क्योंकि जापान को चाइना तो हर हाल में रोक देगा और रसिया भी हर हाल में रोक देगा, इसलिए इनका प्योर दुश्मनी है दोनों से। तो जापान तो गए कम से, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर किसी को बीटो मिलने में भी ये शर्त है कि कोई बीटो ना करे। तो जापान गया कि नहीं गया? जापान गए कम से। जर्मनी, रूस को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया किसने? जर्मनी को कौन रोक देगा? रूस रोक देगा। अब रह गया ब्राजील, ब्राजील की इस तरह से किसी की दुश्मनी नहीं है। और एक और बहाना ब्राजील के पास है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक को बीटो नहीं है, तो ब्राजील की भी दावेदारी है। लेकिन ब्राजील खुद में कमजोर है, ब्राजील के पास लॉजिक है कि भैया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किसी को नहीं है, हमें होना चाहिए, इस महाद्वीप का कोई ना कोई एक अस्थायी तो होना चाहिए यहां पर, लॉजिक है उसके पास, दुश्मन भी नहीं है उसके पास। लेकिन ब्राजील ही कमजोर है, भारत के पास लॉजिक भी है, मजबूत भी है, लेकिन दुश्मन भी है। पाकिस्तान से दिक्कत नहीं था, पाकिस्तान से दिक्कत नहीं था, दिक्कत किससे था? किसे? चाइना से। चाइना नहीं चाहेगा कि हम लोग को बीटो मिले, चाइना नहीं चाहेगा कि हम लोग को बीटो मिले। तो हम लोग को इस तरह से चाइना को घेरना पड़ेगा, जिसके अब जैसे हमारा पूरी डिपेंडेंसी सामान इलेक्ट्रॉनिक मामला किसमें? चाइना, चाइना से। हम किसी अन्य देश के साथ कर ले, चाइना पे टैक्सेशन बढ़ा दे, फंसा दे, कुछ कर दे, कुछ नहीं जाता है। संसद से एक प्रस्ताव पारित करना है, जिन देशों के साथ सीमा विवाद है उन देशों पे 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, काम खत्म। कानून को कानून के हिसाब से जीत सकते हैं। WTO कहता है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका के लिए टैक्स अलग, रूस के लिए अलग, जापान। WTO कहता है सबके, और ये अच्छा भी नियम है, लेकिन हम अपने आंतरिक कानून तो बना सकते हैं ना। जिसके साथ सीमा विवाद है उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ कोई हम इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उससे ना डेटा आदान प्रदान हो सकता है। लैपटॉप इंडस्ट्री गया, मोबाइल इंडस्ट्री गया, अब WTO कहेगा ये क्यों किया? तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, WTO का बाप है ये, आप साइड रहिए। टिकटॉक को ऐसे ही उड़ाए थे हम लोग, चिल्लाते रह गया WTO गलत है, छाती पीट रहा था, गलत है गलत है, छाती पीटोगा, छाती पे आदमी मूंग दौर देगा, दाल दौर देगा, दाल देहात में कहावत क्या, छाती पे दाल दौर देगा यार, हाँ जाता धके चाप दे आदमी। तो हम लोग काम तो कर सकते हैं ना, कि भाई जिसके साथ क्या है सीमा विवाद है, हम उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं खरीद सकते हैं। लैपटॉप गया, मोबाइल गया, कैमरा गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज गया, सब गया यहाँ पर। खिलौना, खिलौना में प्लास्टिक होता है, बच्चों को नुकसान करता है। अब चाइनीज खिलौने सस्ते होते हैं इसीलिए बिकते हैं, और सस्ते खिलौने का प्लास्टिक क्वालिटी खराब होता है, बैन लगा दो। एक्सपोर्ट होके जब भी कोई चीज़ विदेश से आएगा तो इस ग्रेड की कैटेगरी का होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, बस हाई क्वालिटी में दाम बढ़ गया, इंडिया का अपने से बिकने लगा। आपको क्या लगता है ये दिमाग ऊपर वालों के पास नहीं है? है, लेकिन अलग से चाइना से पैसा आ जाता है। अरे भैया नियम मत बनवाना, जितने अधिकारी हैं सो ना बड़े बड़े जो ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए हम लोग को तो चाइना रोकेगा, हम लोग को कौन रोकेगा? तो हम लोग को चाइना को क्या करना पड़ेगा, फंसाना होगा। और ये प्रस्ताव पारित करके नहीं फंसा सकते हैं, प्रस्ताव को रोक कर, प्रस्ताव को रोक के। अब भारत के पास बहाना है, ये प्रस्ताव तो विपक्ष ने लाया था, हम लोग कोई चाइना की तरह कम्युनिस्ट देश थोड़ी है, हम लोग क्या है, लोकतंत्र, विपक्ष ने लाया था, हो गया। अब चाइना देखेगा इस सूरत तो नहीं, पूरा व्यापार चल जाएगा, ये चल जाएगा, बीटो देना जरूरी हो गया यहाँ पर, तब नहीं टोकेगा यहाँ पर, नहीं समझे? अगर आपके खोपड़िया पे कोई बंदूक रख दिया है ना, तो दो ही रास्ते हैं, या तो उसकी मेहरबानी पे जिंदा रखिए, या तो आप उतान दीजिए, और क्या रास्ता है? तो चाइना हमारे खोपड़िया पे तान दिया, तो हम उसकी मेहरबानी पे तो नहीं रहेंगे, हम उतान देंगे ले।
काम खत्म। तो जी पोर समझ में आ गया, कितने देश हैं? देखिए इन लोग को अफ्रीका महाद्वीप को खड़े छोड़ दिया है, सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप के जो इतने इन्हीं को तो ज्यादा जरूरत है, इसमें से कोई नहीं, इसमें साउथ अफ्रीका को भी आना चाहिए और भारत को यह प्रस्ताव स्पेशली रखना चाहिए मोदी जी को जाके, अफ्रीका के दोस्तों मित्रों आप बताओ आप में आप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे मिला। इससे फायदा ये होगा ना कि भले ये लोग सुरक्षा परिषद में नहीं लेकिन जनरल असेंबली की 193 सदस्य में ये तो हैं सब ना, वहाँ तो हेल्प करेगा सब, सबकी दोस्ती ये सबसे है यहाँ से। अब मान के चलिए हम लोग अफ्रीका साउथ अफ्रीका को या मिस्र को कह देंगे इनको भी मिलना चाहिए, अरे नहीं मिलेगा हमको भी पता है, लेकिन बोलने में क्या जाता है, वाचम किम दरिद्रम, अच्छा बात बोलने में कौन चीज घर से लगता है, लेकिन पूरा अफ्रीका वाला खुश हो जाएगा। अब हम लोग अफ्रीका वाले से कहेंगे कि चाइना को कहिए दबाव बनाइए, तो कहेगा चाइना से ए भारत को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है। तो कई बार आदमी ना दूसरों के दबाव में आदमी कोई काम कर देता है, भारत में तो आधा ब्याह दूसरे के दबाव में हो जाता है, क्या दिक्कत है सीख है ना कर लो यहाँ पे चढ़ा के ब्याह करा देता है सो यहाँ पे, ये सब चक्कर में तुम लोग कभी मत फंसना, समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये सब चक्कर में नहीं, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। वैज्ञानिक तुम टेंशन में क्यों है, लड़की सबको तो ये सब ज्यादा होता है। हाँ आप लोग का जॉब वॉब हो जाएगा नौकरी हो जाएगा, आप लोग के साथ नहीं होगा यार, सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है।